अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। सभी से निवेदन है कि राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। विविधताओं से भरे हमारे भारत देश की सच्ची ताकत, सच्ची हिम्मत, सच्ची पहचान ही है एकता। एकता और अखंडता को मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है। इस वचन को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए एकता के प्रेरक पूज्य सरदार पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्र एकता दिवस के तौर पर मनाने का निर्धार किया गया है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे यहां उपस्थित सभी के साथ पूरे भारत देश को एकता की शपथ दिलवाएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।
428 राष्ट्रध्वज के गान पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। कि ये ध्वज सेवा शौर्य कर्तव्य निष्ठा पराक्रम एवं शहादत का गौरव अपने में समेटे हुए है। इस वर्ष राज्य पुलिस बल के प्रतिनिधि परेड में शामिल नहीं है, किंतु सरदार पटेल के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य पुलिस बलों की पूर्ति राज्य पुलिस ध्वज वाहक के रूप में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान कर रहे हैं, जो उस राज्य के निवासी है, जो भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सार तत्व को मूर्त रूप चरितार्थ कर रही है।